यूपी के बुलंदशहर में गौकशी की वारदात को अंजाम दे रहे दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश और एक कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गौकशों के कब्जे से एक तमंचा, एक कटा हुआ गौवंश और कुल्हाड़ी आदि बरामद किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुआ ये बदमाश बीबी नगर थाना क्षेत्र के गंगावली गांव का रहने वाला हसीन है, जो इलाके में गोकशी की वारदात को अंजाम दे रहा था। हसीन देर रात को अपने साथी के साथ बीबी नगर थाना क्षेत्र में गोकशी कर रहा था कि पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने जैसे ही गौकशी की घेराबंदी शुरू की तो गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली कांस्टेबल नरेश के सिर से छूती हुई निकल गई और कांस्टेबल नरेश घायल हो गया। बस फिर क्या था, पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे एक गोली गौकशी कर रहे बदमाश हसीन के पैर में जा लगी। जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस अब हसीन के दूसरे साथी की तलाश में जुटी हुई है। बीती रात थाना बीबी नगर के गंगावली गांव में गोकशी की एक अभिसूचना थी। उस पर बीबी नगर पुलिस और गुलावटी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया पुलिस पार्टी पे, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। पुलिस की फायरिंग में एक अभियुक्त हसीन को गोली लगी, मौके से गिरफ्तार किया गया। दूसरा उसका साथी भागने में सफल रहा, लेकिन मौके पर काफ़ी मात्रा में मीट, गोवंश का नाजायज असलहा, तमंचा, चार जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, कुल्हाड़ी, चाकू, प्लास्टिक के थैले आज बरामद किए गए हैं। भागे हुए अभियुक्त की तलाश जारी है। बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल बीबी नगर इलाके में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ गौकश जंगल में गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जैसे ही जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तो उसमें एक आरोपी घायल हो गया और दूसरा मौका देख के फरार हो गया। घायल आरोपी को पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार आरोपी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। कैमरामैन ऋषभ के साथ शुभम शर्मा, Time 24 न्यूज, बुलंदशहर। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।